गिनती का 3 घंटे का अंधेरा है, 24 घंटे दिन 24 घंटे रात। ले लिया भाई, लड़के ने उतार लिया। मैं कहा था लड़कियां बड़ी ऐसे नशे होते हैं। हेलो नमस्कार, कैसे आप लोग? मैं एकदम बढ़िया हूँ, आप भी अच्छे होंगे। सबसे पहले ग्रेचुलेटर में दागिन मतलब कंग्रेचुलेशन फॉर द डे, क्योंकि आज है 17 मई और बोल सकते हैं आप नॉर्वे का है नेशनल डे बोल सकते हैं। जैसे अपना 26 जनवरी है ऐसे इनका 17 मई है आज, और बहुत ही ज़बरदस्त सेलिब्रेशन होती है। फिलहाल हूँ मैं बर्गन नॉर्वे के सेंटर के अंदर जहाँ जिस शहर में मैं रहता हूँ, आपको यहाँ दिखाऊंगा नज़ारे कैसे हैं। क्योंकि बज गए हैं 3 और इसको सब कुछ स्टार्ट हो जाता है सुबह 10 या 11 बजे, उस टाइम मैं सो के उठा था। क्योंकि यार अपना नहीं है ना 26 जनवरी के उठ के सुबह से परेड देखनी है, लेकिन की परेड वरेड भी होती है लेकिन वो अलग होती है। सब कुछ बताऊंगा आपको उसके बारे में, तो वीडियो में बने रहिए। जैसा कि आपने देखा, आपको पूरा फंडा समझाता हूँ कि क्या फंडा है। जितने आपको अभी लोग दिख रहे हैं ना, ये मैक्सिमम लोग हैं यहाँ के, यहाँ के सबसे भीड़ है। अब सब लोग मेरी वीडियोस में बोलते हैं कि बंदे नहीं दिखते, बंदे कहाँ पर है, बंदे कहाँ पर हैं। तो ये आज के हिसाब से इनकी पीक भीड़ है। आप देख सकते हो इससे फालतू भीड़ तो हमें राजीव चौक पर मिल जाती है, संडे के ऊपर भी, मतलब संडे के दिन में भी आपको इससे फालतू भीड़ मिल जाएगी, लेकिन इनके हिसाब से पीक भीड़ है। अभी कहीं खाली नहीं बैठ के आपको बताता हूँ फुर्सत में कि क्या चीज़ है, क्या फंडा है। तो ये लगा लो इनका ना नॉर्वे का 18 समथिंग में 17 मई को कॉन्स्टिट्यूशन साइन हुआ था। तो संविधान जिनका होता है ना वो साइन हुआ था। इससे पहले डेनमार्क के अंडर में था ये पूरा का पूरा जो देश था ना, उससे पहले बीच में 5 साल जर्मनी के अंडर में था, वर्ल्ड वॉर टू के अंदर, काफ़ी हिस्ट्री हो जाएगी। तो मोटी मोटी बात ये है कि इनका ना साइन हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन, तो आज से इसको बोलते हैं अपना नेशनल डे, उसको 17 मई बोलते हैं। 17 होता है 17 और 17 को बोलते हैं 17, तो 17 मई होता है। ग्रेचुलेटर का मतलब होता है कंग्रेचुलेशन, मे दागिन मतलब फॉर द डे, ऐसे लोग ग्रीट करते हैं ग्रेचुलेटर में दागिन। और इनकी जो एक ट्रेडिशनल ड्रेस होती है लड़कियों की और लड़कों की भी, उसको बोलते हैं ब्यूनाद। ट्रेडिशनल जो ड्रेसेस होती हैं ना जितनी भी, तो उनकी इन लोगों की ये है वो। और जो लड़के होते हैं, जो मेल होते हैं, वो पहनते हैं कोट पैंट और टाई लगा लेते हैं, मतलब बिल्कुल जैसे किसी मीटिंग में जा रहे हैं। और ना जो ड्रेस आपको बता रहा हूँ वो हर एरिया की अलग अलग मिलती है। जैसे मान लो कि बर्गन में रहता है तो उसकी ड्रेस पर कुछ अलग एक, मतलब जो वहाँ के लोग होंगे वो देख के बता देंगे ड्रेस को कि अच्छा है यहाँ का। जैसे अपने हरियाणा में होती आ रहे हैं वो जो घाघरा चोली सी पहन लेते हैं, या जो राजस्थान के ड्रेस है, हर किसी के अलग अलग होते हैं, देख के पता लग जाता है कौन सी स्टेट से बंदा है। और कुछ मेल ऐसी भी ड्रेस पहन लेते हैं, और जो कि आर्मी वार्मी का होता है या नेवी में होता है, वो अपनी अपनी जो ड्रेसेस होती हैं, यूनिफॉर्म होते हैं, वो पहन लेते हैं। मतलब ये सही है, दिखा ये नॉर्मल कपड़े नहीं पहनते आज, जैसे मैंने पहने हुए ना ऐसे नहीं पहनेंगे लोग, कुछ स्पेशल ड्रेसअप करेंगे कि तुम लगे कि इनका स्पेशल दिन है आज। और इस दिन ना ये लोग खाते हैं आइसक्रीम, बड़ा फेमस है कि 17 मई को आइसक्रीम खाते हैं लोग। हालांकि आज ठंड है, इतनी गर्मी नहीं है, 7 डिग्री टेम्परेचर है, कल बारिश हुई थी, लेकिन अभी समर चालू हो गया ऑफिशियली। और आपको दिख रहा होगा जैसे अभी डे लाइट है, रात के 11 बजे तक रहती है, जैसे जैसे जुलाई के अंदर हम जाएंगे, जून में जाएंगे, तो और बढ़ जाएगी, 11:30-12 बजे तक सनसेट होगा, और सुबह 3:30 तक वापस सनराइज हो जाएगा। तो मतलब गिनती का 3 घंटे का अंधेरा रहता है मेरे शहर के अंदर, क्योंकि मेरा वेस्ट के अंदर पड़ता है। जो अभी नॉर्वे के बारे में सुना हुआ है ना कि 24 घंटे दिन 24 घंटे रात, वो नॉर्थ में होती है, जो आपकी सर्कल के अंदर जो एरिया पड़ते हैं ना। और जैसे आपको सारे स्टॉल्स दिख रहे हैं हॉट डॉग के और ये सब के लग जाते हैं, तो बड़ी कॉमन सी बात है पूरे यूरोप के अंदर। खैर कहीं पर कुछ भी कोई सेलिब्रेशन अगर होती है, कुछ भी फेमस, कुछ भी अगर मेन दिन आता है, तो ऐसे स्टॉल से लग जाते हैं। और यहाँ पर इनकी परेड्स भी होती है, उसको बोलते हैं थोगया। थोगया मतलब ट्रेन को ही थोगया बोलते हैं, थोग मतलब ट्रेन होती है, तो परेड में ट्रेन की तरह चलते हैं, तो इसलिए इसको थोगया बोलते हैं ये लोग। लेकिन उसमें होता क्या कि बच्चे जो होते हैं, अलग अलग तरीके की परेड्स होती है, मैं आपको पीछे क्लिप डाल दूँगा थोड़ी बहुत आपको समझाने के लिए। तो बच्चे उसमें करते हैं, बच्चे निकलते हैं, और अलग अलग कम्युनिटीज़ की होती है, LGBTQ वाले भी आते हैं, और जो एनिमल वेलफेयर वाले होते हैं वो भी आते हैं अलग अलग कॉस्ट्यूम पहन के, कुत्ते बिल्ली की, सुअर की, उनको मतलब प्यार दिखाने के लिए कि यार सब कम्युनिटी का हिस्सा है, सबको इक्वली ट्रीट करो। तक मतलब काफ़ी कुछ होता है, लेकिन सब कुछ सुबह होता है 11-12 बजे। फिलहाल मैं अपना बैग लाऊँ, बैग में मैंने रखी हुई है 2-3 बियर और खाने पीने का सामान, बैठ कर आराम से पियेंगे। उस तरफ देखो एक ये बाइकिंग शिप भी लगा हुआ है, वहाँ लोग पिक्चर खिंचा रहे हैं, अभी वहाँ लेके चलता हूँ आपको। इसी एरिया में ना मैंने डाली थी वीडियो, इसी एरिया में वो लगता है क्रिसमस मार्केट लगता है यहाँ पे दिसंबर के अंदर, लेकिन पूरे दिन ही सेलिब्रेशन रहती है यार। आपका जब मन करे उठ के आ जाओ, अपना 26 जनवरी 15 अगस्त की तरह है कि अगर आपको परेड देखनी है तो सुबह उठना पड़ेगा। और वैसे माहौल तो पूरे दिन अपना बना ही रहता है, इंडिया गेट पर चले गए आप अपनी मतलब गेड़ियाँ मार ली,
और ये भी ड्रेस होती है जो इस बंदे ने पहनी हुई ना। और हर जगह आपको आपके हर किसी बच्चे के हाथ में हर किसी के पास में आपको फ्लैग दिखेगा। अगर फ्लैग नहीं होगा तो अपने यहाँ जो ब्रोच नहीं बोलते हैं वो लगा लेते हैं फ्लैग का, तो कुछ ना कुछ दिखेगा आपके नॉर्वे के कलर्स का। मैंने ये चीज़ अपने इंडिया में बहुत कम नोटिस की है कि जहाँ भी कंट्रीज़ में, अब मैंने देखा है कि अब फ्लैग्स काफ़ी लग रहे हैं पब्लिक प्लेसेस पे बड़े बड़े इंडिया के, पहले नहीं होते थे। और जो टर्की में आप जाओगे वहाँ लोगों ने अपने घरों के बाहर हर घर के बाहर फ्लैग लगा होता है। So she works with me in my company. Oh no! We work together like one day ago. Hello everyone, this is my bunad. It's called in Norwegian. Yeah. And this is from Nordhordland. Yeah. Yay! Very beautiful. Yeah, now it's Kisampur. मैं हवाबाजी के अंदर ये सिर्फ एक कट स्लीव जैकेट और एक टी शर्ट पहन के आ गया था कि थोड़ी भी थोड़ा बहुत सूरज होगा, आराम से बैठूंगा, बियर पीऊंगा। साला यार सूरज का तो नामो निशानी नहीं है, हवा चल रही है और उल्टी 60 डिग्री टेम्परेचर है भाई। ये माहौल था आपको दिखाया मैंने, जैसे मेरी ये सोचो तुक्के से मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा था कि बीच में आके बोलने लग गई, फिर मैंने अपने सनग्लासेस हटाए जब इसने पहचाना मेरे को, परसों ही मैंने इसकी फ्लाइट की थी। और ये देखो एक पोल लगा रखा लकड़ का, ऊपर गिफ्ट्स वगैरह लगाए हुए हैं और काफ़ी स्लिपरी है पोल, आपको दिख रहा होगा इजी, लेकिन स्लिपरी पोल है, इस पे ऊपर चढ़ना है आपको, चढ़ के ऊपर से गिफ्ट तोड़ लो अपना। यू गाइस यूज्ड टू पुट सोप ऑन दिस वन, ये बोल रहा है कि इस पे सोप लगाते थे पहले साबुन लगाने के बाद कौन चढ़ पाएगा, मैं से बोल रहा कि तो ट्राई करेगा, मैं ट्राई तो कर लूँगा लेकिन चौक नहीं है तेरे पास, चौक होता तो कर लेता। बोला भाई पहले सोप लगाते थे इसके ऊपर पहले दिनों में, मतलब 4 साल से हम इस रस्सी को यूज़ कर रहे हैं हारनेस को, इसके बिना ये वैसे पहले ये भी नहीं होती थी, सिर्फ लोग ऊपर चढ़ते तो नीचे गिरते थे, लेकिन हाथ से मरा नहीं है। मैं कहा ठीक है भाई मरना नहीं है तुम्हें। तो दो पोल हैं, एक तो यहाँ पर है बिजली का खंबा लग रहा है देखने में दूर से गैर, एक वहाँ पर है। उसको लेडी देख रहे हो, लेडी चढ़ी हुई है भाई सब कपड़ों के साथ, शर्ट और जीन्स दोनों पहनी हुई उसने, जो लौंडे तो फिर भी शर्ट उतार दे रहे अपनी ग्रिप लेने के लिए, भाई कमेंडेबल यार, देख रहे हो कहाँ तक चढ़ गई थी बेचारी, ले लिया भाई लड़के ने उतार लिया। और जो मेरी कॉलेज के साथ एक फिलीपीन की लड़की थी उससे मैंने पूछा कि तेरा फ्यूनाद क्या है, मैं तेरी ड्रेस कहाँ है, तो उसने बोला कि नहीं मैं नॉर्वेजियन नहीं हूँ, हालांकि पैदा यहीं पर हुई है, उसके पेरेंट्स नॉर्वेजियन नहीं थे। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको ये पहनना या नहीं पहनना है, आप सिर्फ नॉर्वेजियन होकर तो ही पहन सकते हो, आप बहुत महंगी आती है अच्छी मैं ड्रेस आपको बताऊँ तो, मैं 2-3 लाख तक की आती होगी, सारे ऐसे ना हैंडवर्क है जो कारीगरी जो होती है हाथों से, और आपको लेबर कॉस्ट या महंगी है। और दूसरी बात जो लड़कियों को मिलता है ना फ्यूनाद, उनकी कन्फर्मेशन पर मिलता है, जब वो 16 साल की हो जाती है ना तो चर्च के तो उनकी कंफर्मेशन होती है, तो उसमें उनके पेरेंट्स या उनकी दादी नानी कोई भी गिफ्ट कर सकता है उसको, तो इसलिए उनको मिल जाता है, मतलब इनहेरिटेड होता है एक तरह से ना कि कोई देता है आपको, तो इसलिए जो भी इमिग्रेंट होते हैं उनको मिलता है। और आप जब भी कभी मई में अप्रैल के टाइम पे आओगे ना तो आपको ऐसे बच्चे दिखेंगे 17-17 साल के या 16 साल के, ऐसे लाल और ये नीली वाली ड्रेस पहन के, इसके पीछे की आपको कहानी बताता हूँ क्या है। इसको बोलते हैं रुस, मतलब कोई भी नशा उसको रुस बोलते हैं। तो एक्चुअल में होता क्या है, ये इनका ग्रेजुएशन टाइप का होता है कि जब इनका स्कूल कम्प्लीट होता है ना तो ये लोग एक महीने के लिए इस 17 तारीख तक सेलिब्रेट करते हैं, बस को लेते हैं, मतलब बस को हायर कर लेते हैं कि पार्टी बस को, और उसमें पूरे टाइम महीने भर तक पार्टी करते हैं, दारू पीते हैं, नशे करते हैं, नशे मतलब ऑब्वियसली ड्रग्स नहीं, दारू पीते हैं और घूमते हैं पूरे में ना ये लोग खुशी के अंदर कि हमने स्कूल पूरा कर लिया अपना। उसके बाद अपना चूज़ कर लेते हैं किसी को, अगर मान लो यूनिवर्सिटी में जाना है, मतलब फर्दर एजुकेशन करनी है किसी को, या किसी को भी नौकरी करनी है, या किसी को कोई कोर्स करना है, तो आपको मिलेंगे इसमें। जिसका मतलब दो जो लाल वाली होती है शायद उसका मतलब होता है कि आप फाग स्कूल है, फाग स्कूल मतलब होता है कि आप जाएंगे मतलब कारपेंट्री या प्लम्बिंग इस चीज़ के अंदर, और जो शायद ब्लू वाले होते हैं वो पढ़ते हैं कि एक्स्ट्रा स्टडीज़ के, जिनको मैंने इंजीनियर बनना है, लॉयर बनना है। तो मैंने आपको बस दिखाई नहीं, तो बस भी इनकी बड़ी शानदार बस किराए पर करते हैं, काफ़ी खर्चा करते हैं, कम से कम लगा लो एक बच्चा कर देता हो खर्चा 2-2.5 लाख रुपये, जिनको पैसा घर से भी मिलता है, और जो ये बड़े आते हैं 18 साल के तो उनके 18 साल तक ना पैसे गवर्नमेंट देती है 1.5 या 2 करोड़ हर महीने का। तो पेरेंट्स कुछ खर्च करते हैं, साथ साथ कुछ पेरेंट्स जमा कर लेते हैं, जो बच्चा 18 साल का होता है कंफर्मेशन पे ना उसकी जनरली दे देते हैं, तो 2-2.5 करोड़ बनते हैं, तो मतलब मोटे मोटे आते हैं 20-21 लाख रुपये। तो कुछ बच्चे उसको यूज़ करते हैं अपने इस खर्चने के अंदर, कुछ बच्चे यूज़ करते हैं अपना लाइसेंस बनवाने के अंदर, क्योंकि लाइसेंस बहुत महंगा बनता है, कुछ बच्चे अपनी कार वार लेते हैं, तो पूरा फंडा ये है। सो भाई ये यहाँ पर आप देख रहे हो सीट्स लगी हुई हैं, सारी परेड यहीं से जाती है, जब वो थोके थोके बता रहे थे ना सारी,
और यहाँ से होते हुए आगे ब्रिगेन पे जाते हैं, भी आपको वहाँ लेके जाऊंगा मैं। और अभी सब लोग बस पियेंगे, दबा के पियेंगे, बाद में फिर पढ़ेंगे मोदे मुँह। और भाई ये आ गए हैं ब्रिगेन के ऊपर, उसको इस एरिया को बोलते हैं ब्रिगेन, जहाँ ऐसे अलग घर बने होते हैं ना, जो डेनमार्क में भी है, नीहावन के ऊपर मैंने दिखाए थे आपको। अगर आपको और नॉर्वे के बारे में देखना है, यूरोप के बारे में देखना है, तो मेरी पूरी प्लेलिस्ट है, मैंने पूरा घुमा हुआ हूँ, वो जाके देख लो आप। और नॉर्वे जैसे मैंने दिखाया ना, शायद ही किसी ने दिखाया होगा यूट्यूब के ऊपर। ये देखो ऐसे यहाँ यॉट वगैरह खड़े होते हैं, छोटी छोटी बोट खड़ी होती हैं, और जो अमीर लोग हैं भाई वो अपनी बोट में मना रहे हैं अपना नेशनल डे। हम जैसे हम तो खैर है ही नहीं, मैं तो काउंट ही नहीं करता अपने आप को यहाँ पे, लेकिन हाँ अमीर जो बहुत अमीर जो लोग हैं उनकी ऐसी बोट से यहाँ लगी होती हैं, क्योंकि यहाँ बोट पार्क करना काफ़ी महंगा, क्योंकि सिटी का सेंटर लगा लो आप। और भाई ये भाई पैसे बना रहा है, बोतलें इकट्ठी कर रहा है। आपको मैंने बताया हुआ है कि दो पंत मिलते हैं, पंत मतलब दो करोड़ मतलब 16 रुपये एक खाली बॉटल के ऊपर, जो को पे करने पड़ते हैं जब बॉटल खरीदते हो। तो ये बंदा यहाँ आप सब पी रहे हैं, कौन इकट्ठी कर रहा है, सब फेंक रहे हैं, तो बंदे अपना पैसा बना रहे हैं उठा उठा के। अभी मुझे ठंड लगनी शुरू हो गई कि पानी के बिल्कुल बगल में आ गए, मैं से बोला भी नहीं जा रहा वैसे, ये देख रहे हाथ भी नहीं रहे, अकड़ने शुरू हो गए अभी ना, ऐसे नशे होते हैं। आपको बताया था मैंने सुबह आओगे 8, 9, 10, 11 बजे तो आपको सब सोबर मिलेगा, थोगे मतलब जो परेड देखने को मिलेंगी, और जैसे थोड़ा लेट हो जाओगे आपको ये सब मिलेगा। हर कोने में कोई यहाँ, कोई यहाँ पड़ा हुआ है इस तरफ पे देखो, कोई उस तरफ, गंदा माल हो जाता है भाई। अभी का टाइम हो गया 4 बजे, अभी आराम से बेंच पे बैठते हैं, अपनी बियर पीते हैं, जो बियर लाया हूँ मैं, बियर केले चिप्स पानी सब लेके आया हूँ बैग के अंदर। तो भाई नॉर्वे में ना जो ड्रिंकिंग एज है वो 18 साल है बियर के लिए, और हार्ड ड्रिंक्स के लिए 20 साल। अभी आई मेरे पास वो शायद 15 साल की थी, बिल्कुल भंड, आइसक्रीम खा रही थी, मैं यहाँ पे आइसक्रीम मत दूँ, मेरे को थोड़ी ठंड लग रही है, चलो ठीक है। सो जैसे अभी ये लोग आए, कैसे वो आई तो बोले मेरे को बहुत ठंड लग रही है, कि मेरे को अपने शेड दे देगा, उनका पागल हो गया क्या, मैं बहुत ठंड लग रही है, जैकेट दे दे मेरे को, आइसक्रीम के बदले ट्रेड कर ले, मतलब काम कर आगे निकल, डोंट टच मी, बट दैट वाज नास्टी। सो मतलब 15 साल से छोटी थी मेरे ख्याल से, लेकिन पता नहीं आज बंड कैसे हो रखी थी वो, बिल्कुल बंड बच्ची थी, लेकिन वो हालांकि पी लिया होगी किसी को उठा के कुछ भी। जैसे अभी मैंने देखा ये बंदे आगे थे, तो माहौल ठीक है, लेकिन जो भंड बंदे होते हैं ना मेरे को ना पसंद है, ना वो चाहे इंडियन हो चाहे वो कहीं के भी हो, अगर दारू पी के भंड है ना तो बदतमीजी उनको पसंद नहीं है। दारू पियो बैठो, मैं भी दारू पी रहा हूँ, लेकिन बदतमीजी नहीं पसंद मेरे को ना, आराम से अपना अगर भंड हो चुपचाप अपने घर निकल जाओ, बदतमीजी करने की जरूरत नहीं है किसी के साथ। भाई 20 क्रोन का ये छोटा सा एक स्प्रिंग रोल लिया है 160 रुपये का, मतलब अरे ख़त्म भी हो गया, 3-2 बाइट भी ख़त्म हो गया। आज सब कमा रहे हैं भाई, सबका कमाने का दिन भी है कमाने में। और भाई इस तरीके की सेलिब्रेशन है तो ऑब्वियसली पुलिस भी फुल फोर्स में आपको दिखेगी, यहाँ पर खड़ी हैं पुलिस की कार्स। हालांकि लेकिन कोई बदतमीजी वगैरह हो नहीं रही है, ऐसे कोई छीना झपटी छेड़ा छाड़ी वो वैसे भी नहीं होती है यार, नॉर्मल डे में भी नहीं होती है, तो आज तो फिर भी कौन ही करेगा, लोग ज़्यादा ना खुश मिजाज होते हैं आज, पी रखे थे सबने, भंडो रखे होते हैं, अपन ने भी 2 बजे चटका दिए हैं। अब टॉयलेट आ रहा है मेरे को, सारे मॉल वगैरह बंद है, जहाँ पर जो पब्लिक टॉयलेट जो फ्री मिलते हैं ना वो बंद हैं। देखा मैंने कहा था आपको, सारे खुश मिजाज लोग हैं, भंड हैं सारे, तो सारे बंद हैं मॉल्स वगैरह ना, तो टॉयलेट मेरे को आएगा अगर जितना ज़्यादा तो मैं रुकूंगा, तो ऑब्वियसली फिर दिक्कत होगी रोकने में। तो मैं लेता हूँ इसी सिटी सेंटर से आपसे अलविदा, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, कुछ आपको इन्फॉर्मेशन मिली होगी नॉर्वे के बारे में जो अब तक आपने कहीं पर और नहीं देखी होगी, क्योंकि ऑब्वियसली मैं रहता हूँ, मेरे को ज़्यादा पता है बाकी जो लोग यहाँ पर आते हैं उनसे ऑब्वियसली, लेकिन बस अपने पास फॉलोवर्स इतने नहीं है कि हमारी वीडियो ज़्यादा लोग देख सकें। तो आपसे बस मेरी यही रिक्वेस्ट है, आपको वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक कर दो, और इसको कर दो शेयर अपने दोस्तों के साथ जिनको भी नॉर्वे के बारे में जानना है ना। मैं कहता लड़कियाँ बड़ी मतलब कूल हैं यहाँ पे ना, बन है सारी ऐसे अलग ही। तो अगर आपको और मेरी वीडियोस देखनी है तो मेरे प्लेलिस्ट देख लो, यहाँ पर मैं कैरिबियन की वीडियोस डाल रहा हूँ, और नॉर्वे के बारे में जानना है तो उसकी पूरी प्लेलिस्ट में बस पड़ी हुई है, आप उसे जाके देखो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टाटा, टेक केयर, बाय बाय, नमस्कार।